ओम त्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मित्योमुक्षिः मामृतात्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ प्लैनेट्स में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ मूलांक दो का 2020 का भविष्यफल। इस भविष्यफल में आप जानेंगे अपनी जॉब बिजनेस का हाल, वहीं मैं आपको बताऊंगा इस साल आपकी मैरिड लाइफ में मिठास रहेगी या खटास, लव लाइफ में आपका कौन सा शख्स इस जीवन में दस्तक देने वाला है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट इस साल कैसा रहेगा, साथ ही इस साल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, इस सब के बारे में हम जानेंगे। आइए पहले बात करते हैं मूलांक दो किन तारीख में जन्मे जातकों का होता है। अंक शास्त्र के अनुसार यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है तो आपका जन्म मूलांक दो होगा और आप जीवन भर दो अंक से किसी ना किसी रूप से अवश्य प्रभावित रहेंगे। वैसे भी ईयर 2020 यानी 2020 में अंक दो बार आया है और अंक ज्योतिष के अनुसार 2020 का विश्लेषण करें तो यह वर्ष कई मामलों में दो अंक वाले जातकों के लिए काफी विशेष रहने की उम्मीद जता रहा है। दो अंक चंद्रमा को प्रदर्शित करता है और इस वर्ष 2020 का कुल योग का निर्माण 4 हो रहा है जो कि 2 का डबल है। अंक शास्त्र में मूलांक 2 के लिए निर्धारित स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा हमारे अंतर्मन में उठने वाले सुख और दुख की भावनाओं का संचालन करते हैं। यही कारण है कि कुंडली में अशुभ चंद्रमा हमारे मन को व्यतीत कर देता है और बात बात पर परेशान करता है। मानसिक बीमारियां तथा मन के उलझन का कारण भी चंद्रमा ही है। हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या खराब है, इसका प्रथम फैसला हमारा मन ही करता है। तो इस प्रकार 2 नंबर के जातक चंद्रमा से प्रभावित रहते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब करियर और बिजनेस के बारे में। मूलांक 2 वाले जातकों का इस ईयर आपके करियर में सफलता पाने के लिए आपको डबल मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 2020 में आपके मूलांक का नंबर 2 भी डबल आया है। साथ ही आपको धन व सफलता भी डबल मिलने वाली है। वर्क प्लेस में अपने कलीग्स के साथ तालमेल मिलाकर चलें। आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा क्योंकि वर्क प्लेस में आपको कई तरह के विरोधों का सामना इस वर्ष करना पड़ सकता है। जॉब पर्सन को अपने सीनियर अधिकारियों से परेशानी होगी। संभावना है कि वर्क प्लेस पर आपके शत्रु आपकी तरक्की से जलें और आपके कार्यों में अड़चनें पैदा करें, इसीलिए उनको ध्यान में रखते ही आपको कार्य करना आपके लिए अच्छा होगा। अप्रैल व मई मंथ में शेयर बाजार में निवेश करने से आपको मुनाफा होगा तथा जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। व्यापार से जुड़ी यात्राएं आपके लिए सफल होंगी। फाइनेंशियली रूप से उन्नति के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे और उसके फलस्वरूप आप अच्छा धन लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। विदेशी संपर्कों से भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की इस पर पूर्ण रूप से संभावनाएं बनती नजर आ रही है। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर एवं बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े बिजनेसमैन के लिए यह समय अति उत्तम है। ईयर मिड में फाइनेंशियल पोजिशन किसी अनचाहे निवेश के कारण बिगड़ सकती है, इसीलिए आपको समय रहते किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के बचने की इस समय आपको जरूरत होगी। अगर पॉसिबल हो तो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सही हिसाब किताब बना कर ही फिर डिसीजन लें। वहीं सितंबर मंथ में गवर्नमेंट जॉब कर रहे जातकों के लिए समय बेहतरीन बना हुआ है। ऑफिस में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। मीडिया एक्टिंग और सिनेमा क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए इस समय बहुत उत्तम जाने वाला है और इस प्रकार आपके कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की फॉरेन यात्राएं होने वाली है। साथ ही आपको इस वर्ष कुछ कर दिखाने का मौका आपके लिए यह वर्ष लेके आया है। ईयर एंड होते होते आपके कार्य क्षेत्र में नई नई प्लानिंग इस समय बननी शुरू हो जाएगी। आपकी बिजनेस की ब्रांचेस अन्य शहरों में खुल सकती है तथा प्रोडक्शन एवं सेल्स दोनों अच्छी बनी रहेगी। इस प्रकार बिजनेसमैन के लिए नववर्ष 2020 अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ और लव लाइफ के बारे में 2020 के बारे में। मूलांक दो वाले जातकों के लिए वर्ष 2020 में आपके प्यार, रिश्ते, भावनाएं एवं दिल के मामलों में आप सबसे आगे रहेंगे। साथ ही आपके अंदर अंतर्ज्ञान पैदा हो सकता है।
इसीलिए अपने भीतर की आवाज को इस वर्ष जरूर सुने, फिर ही आगे बढ़े। सभी तथ्यों को ध्यान से देखें, सुने और फिर निर्णय लें। मूलांक दो वाले जातक काफी भावुक होते हैं, इसीलिए इस ईयर दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार से आप जल्दी डिस्टर्ब और आहत हो सकते हैं। इस ईयर आपको नया घर खरीदने और वर्तमान घर में कुछ रिनोवेशन करवाने के योग बनते नजर आ रहे हैं। ईयर स्टार्टिंग में ही अपने लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर आप जा सकते हैं और ये लॉन्ग ड्राइव आपके लिए आनंददायक साबित होगी। लवर्स के लिए भी यह समय एक दूसरे को सही रूप से समझने के लिए अच्छा है और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। मूलांक दो वाले जातकों को सलाह दी जाती है कि इस साल वह जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन ना लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। इसीलिए आप धैर्य रखें और अनुकूल समय को देखते हुए निर्णय लें। फरवरी से अप्रैल मंथ तक लवर्स के लिए बेस्ट जाने वाला है। जो लवर्स अपने रिश्ते को वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो उनकी यह आकांक्षा पूरी हो सकती है, यानी कि इस मंथ मूलांक दो वालों का प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज होने के पूर्ण योग बनते नजर आ रहे हैं। वहीं विवाह के लिए आपको माता पिता की सहमति भी मिल सकती है। ये मंथ मैरिड लाइफ और लवर्स दोनों के लिए विशेष स्वागत लेकर आया है। आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईयर मिड के बाद मैरिड पर्सन की लाइफ में पहले से चली आ रही खटास भी अब समाप्त होने वाली है और आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और आदर सम्मान का भाव एक दूसरे के प्रति बना रहेगा। आप फैमिली के साथ किसी ऐतिहासिक स्थल पर भी घूमने की प्लानिंग इस वर्ष बना सकते हैं। तो वही लवर्स आपस में पहले से ज़्यादा एक दूसरे के बीच नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और आप रोमांस का भरपूर आनंद लेने वाले हैं, तथा आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट या पिकनिक स्पॉट पर भी अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और आप दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ेगी। ईयर एंड में आपके मैरिड लाइफ में आपको अपने पार्टनर की जरूरतों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी और ये बात माननी होगी कि जीवनसाथी की तारीफ करना कोई गलत बात नहीं है। इसीलिए जब भी मौका मिले अपने जीवनसाथी की खुलकर तारीफ करें। यदि वह कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो इसकी सराहना अवश्य करें। यदि आपकी पत्नी अच्छा खाना बनाकर लाती है या आपके कपड़ों को अच्छे से प्रेस करके लाती है तो आप जी खोलकर तारीफ करें। ऐसा कोई मौका ना छोड़ें जिससे आप तारीफ करने से रह जाएं। फिर देखना आपकी मैरिड लाइफ कहां से कहां तक पहुंच जाती है। आपके जीवन में सिर्फ खुशियां और खुशियां ही रहेगी और मैरिड लाइफ का आप मिठास का आनंद पूर्ण रूप से ले सकेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके स्टूडेंट और एजुकेशन के बारे में, यह वर्ष कैसे जाने वाला है। मूलांक दो वाले स्टूडेंट को इस ईयर अपने स्टडी पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसी संभावना बन रही है कि किसी अपोजिट जेंडर के कारण आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंचे, जिसके चलते आपकी परीक्षा में विपरीत परिणाम आ सकते हैं। इसीलिए अभी से सावधान होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। कंपटीशन क्षेत्र की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्ष अनुकूल है। वहीं जून से सितंबर मंथ में मूलांक दो वाले स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र के अलावा कला के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कर सकते हैं। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट म्यूजिक के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो वहीं आप डांसिंग, ड्राइंग, चित्रकारी में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। और जो स्टूडेंट विदेश में जाकर अपने स्टडी करना चाहते हैं उनका यह सपना अब पूरा होने वाला है। कॉमर्स के स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही यदि आप MBA या फिर होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिलने के पूरे पूरे योग गठित हो रहे हैं। वहीं ईयर लास्ट आते आते यानी कि नवंबर एंड दिसंबर मंथ में किड्स के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है, साथ ही साथ उनकी गलत संगत में पड़ने की भी संभावनाएं नजर आ रही है। वहीं जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या इस क्षेत्र में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वह स्टूडेंट अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को सफलता मिलने की पूर्ण योग गठित हो रहे हैं। आप बुद्धि और आपकी विवेक में निखार आएगा और आपकी लर्निंग पावर बढ़ेगी, जिससे आप कंपटीशन एग्जाम में भी आसानी से पास कर पाएंगे। आपका पूरा फोकस सिर्फ एजुकेशन पर रहेगा और आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। इस प्रकार स्टूडेंट्स के लिए 2020 अति उत्तम साबित होने वाला है।
अब बात करते हैं आपके हेल्थ और एनर्जी के बारे में, 2020 वर्ष कैसे जाएगा। हेल्थ के मामले में 2 अंक वालों को पेट संबंधी परेशानियां इस वर्ष परेशान कर सकती है। वहीं आपको सर्दी, खांसी और फेफड़ों के अंदर भी कुछ बीमारियां होने का खतरा बना रहेगा। इसीलिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत होगी और विशेष रूप से इस वर्ष आप अपनी आंखों और बालों का विशेष रूप से केयर करें। वहीं अगर आप शत्रु पक्ष की बात देखी जाए तो दुश्मन भी आपको इस वर्ष हानि पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ईयर मिड में आपके अच्छे स्वास्थ्य के कारण आपका मनोबल ऊंचा बना रहेगा। मौसम संबंधी परिवर्तन कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, लेकिन किसी गंभीर रोग होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। काम के अधिकता के कारण मानसिक दबाव जरूर बना रहेगा। इन दिनों आप अपनी डाइट पर जरूर ध्यान रखें, वरना वजन बढ़ने की चिंता आपको इस समय सता सकती है। कुल मिलाकर पर्सनली थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता इस समय आपको रहेगी। दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार लाकर आप अपना स्वास्थ्य का अच्छा लाभ ले सकते हैं। शरीर में पानी की कमी ना हो पाए इस वर्ष पूरे इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो 2020 में आपको कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें और नियमित रूप से वर्कआउट और योग का सहारा लेते रहेंगे तो आप एक अच्छी हेल्थी लाइफ जी पाएंगे। अब बात करते हैं आपके 2020 के अंतर्गत पूरे वर्ष किए जाने वाले उपायों की। आपके लिए प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध के अंदर मिश्री और शक्कर मिलाकर दूध अर्पित करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। रात के समय डेली चांदी के गिलास में पानी रखकर सोए और सुबह उठते वो पानी पीना आपकी मानसिक स्थिति के लिए बेहतर रहेगा। सोमवार के दिन गरीबों में सफेद चावल और दूध का दान देना आपके लिए अति श्रेष्ठ बना है। वहीं पूर्णिमा की रात्रि चंद्रदेव को स्टील की कटोरी में खीर का भोग लगाएं व सफेद फूल अर्पित करना आपके लिए अति उत्तम है। अब बात करते हैं आपके लकी कलर की। इस साल लकी कलर आपके लिए ऑफ वाइट एवं मैंगो येलो रहेगा। लकी डे सोमवार और गुरुवार है। लकी मंथ फरवरी, मई और दिसंबर होंगे। लकी नंबर की बात करें तो 1 और 5 अंक आपके लिए लकी है। लकी डेट्स आपके लिए 2, 11, 20 और 29 रहने वाली है। लकी स्टोन आपके लिए मोती या फिर मून स्टोन रहेगा। लकी यंत्र आपके लिए चंद्र यंत्र है। लकी या इष्ट देवता आपके लिए देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करना आपके लिए अति उत्तम है। लकी मंत्र की बात करूं तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। लकी दान आपके लिए रहेगा दूध और चावल। और लकी डायरेक्शन आपके लिए रहेगी उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा में की गई यात्राएं आपके लिए अति फलदायी साबित होगी। तो इस प्रकार दोस्तों नंबर 2 वालों का 2020 गुजरने वाला है। यदि आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर या व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल प्रॉब्लम्स बड़ी डिटेल के साथ लिख सकते हैं। जल्दी उनका मैं निवारण करूंगा। धन्यवाद।